अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आंखों में आंसू इतने जल्दी तो जीत की आंखों में कभी आंसू नहीं आते। फिर गोपाला के जाने से जीत रो क्यों रहा था? पर उसके जाने से जीत रोएगा क्यों? ऐसा क्या है जो हम भी ना कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। अरे हो सकता है जीत की आंखों में कुछ चला गया हो, इसीलिए उसकी आंखों में आंसू, या हो सकता है कोई और बात हो। हम भी ना आज खाने में क्या बनाए? रोजिया, हमसे पूछ के खाना थोड़ी ना बनता, जो मर्जी हो वो बना लो कृष्ण। पर हम क्या हो गया है जीत को? वो पहले तो ऐसा कभी नहीं, कहीं जीत हमसे नाराज तो नहीं हो गया? हो सकता है हमने अनजाने में कुछ गलती से गलत उठपटांग बोल दिया होगा, इस वजह से। ओ हाँ, हो सकता है जीत को हमारा वो सरप्राइज पसंद ना आया हो। हम एक काम करते हैं, जीत के लिए ना फिर से कोई अच्छा सा सरप्राइज प्लान करते हैं, कुछ अच्छा सोचते हैं उसके लिए, जिसे देखकर वो खुश हो जाए। फिर उसका ये जो भी गुस्सा है, नाराजगी है हमारे लिए, सब खत्म हो जाएगा। कहाँ इतनी बड़ी हवेली से सीधा जेल के अंदर। बोला तो वैसे लग रहा है मैं आपको ऐसे देखकर सुकांजी, पर वो क्या है ना कि आपने पूरे कर्म इतने किए हैं तो सजा तो बड़ी होनी चाहिए। वैसे कैसे हैं आप पति परमेश्वर? ख्याल तो रख रहे हैं ना यहाँ पे ये लोग आपका? हमारा मतलब है तुम्हारा। तेरी हिम्मत कैसे हुई अपने कारनामों के लिए हमें फंसाने की? दोनों ही छोड़ेंगे अब तुझे। ए साइलेंस। शांति, शांत। तो समझ में नहीं आ रहा कोई इंसान रातों रात इतना कैसे बदल सकता है। ऐसी हालत में भी आप खुद से पहले हमारे बारे में सोच रहे हैं।
खुद की जिंदगी का ठिकाना नहीं और हमारी जिंदगी के पीछे पड़े। वैसे ये सब ना कुछ दिन के लिए नहीं है, कम से कम 15-20 साल इसी तरह गुजरेंगे, उसकी आदत डाल दीजिए। क्या है कि तुम वो शख्स हो जिसने हमारी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम्हारी बातों में आकर एक बार हम अपनी शादी के मंडप से भागे थे जीत को छोड़कर। अगर उस वक्त तुमने हमारे साथ फोन किया होता तो जीत की बीवी हम होते। ऐसी हालत नहीं होती हमारी, और हमारी भैया ये तो तुमने तुम्हारे बाप किनारे बैठेंगे ना तो रात हो जाएगी मगर बाप खत्म नहीं होंगे। हम चाहे ना तो तुम्हें जान से मार सकते थे मगर नहीं, क्योंकि हम तुम्हारे साथ ना उससे भी बुरा करना चाहते थे। अब ऐसी हालत करेंगे ना तुम्हारी कि बर्बादी भी तुम्हारी हालत पर तरस खाएगी। वैसे जब से तुम्हारे ये अशुभ कदम हमारे घर से गए हैं ना, हमारा रास्ता ना एकदम साफ हो गया, काफी कुछ अच्छा अच्छा होने लगा। जाना चाहोगे क्या? देखो सबसे पहले तो ना ये जो गोपाला नाम का काटा था ना हमारी जिंदगी में, ये अपने आप हमारी जिंदगी से बाहर हो गया। इस गोपाला की इतनी अच्छी किस्मत थी कि इससे पहले कि वो हमारा शिकार बनती ना, जितना से खुद ही घर से रफा दफा कर दिया। अब बचे सिर्फ दो शख्स, कृष्णा और तुम्हारा शीत। तुम्हारी तरह ना उन्हें भी उनके किए की सजा देंगे। जान से मारेगी, तोड़ नहीं छोड़ेगी हम तुझे। छोड़ उनको, इसके हाथ पकड़ो जरा, छोड़ इनको, हाँ छोड़ मैडम का। मैडम आप ठीक है? देखकर अपनी आंखों से ये अपनी पत्नी को जेल में खड़े होकर आपके सामने खड़े होकर ऐसे बर्ताव कर रहे हैं, हमारे साथ हमें जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं, सोचिए घर पे क्या करता होगा हमारे साथ। ये ना खूनी दरिंदा है, आप इसे संभाल लीजिए। ये हमें जान से मारने की कोशिश बार बार करेगा क्योंकि हम इसके गुनाहों के ना इकलौते गवाह हैं। हमें मरना नहीं होगा, हमें इसे बचा लीजिए प्लीज, हमें बहुत डर लग रहा है। आप आराम से घर जाइए, हम इसे देख लेते हैं, जाइए। चलिए। तो थाने में रहकर गुंडागर्दी करता है? तुझे तेरी खैर करता हूँ, रुक अभी 2 मिनट रुकना अभी। अब देखिए नथ दंगल प्ले पर टीवी से पहले।